नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन फूड कॉम्बिनेशन को आयुर्वेद में खराब बताया गया है। तो आइए जानते हैं इन फूड कॉम्बिनेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अभी हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। जब खाना टेस्टी हो तो खाने वाले स्वाद में खो जाते हैं और वे ये भूल जाते हैं कि खाने के कुछ नियम भी होते हैं। यदि खाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखा जाए तो सेहत पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए खाने में बैलेंस्ड डाइट की बात हमेशा कही जाती है। इसके साथ इस खाने के सही कॉम्बिनेशन की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, यानी कि किन चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए उसकी जानकारी हम आज आपको देंगे। आयुर्वेद में ऐसी कई चीजों का वर्णन मिलता है जिन्हें एक साथ खाने से बहुत हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इन्हीं चीजों के बारे में हम कई बार अपने घर के बड़े बूढ़ों से भी सुनते हैं, लेकिन अंधविश्वास समझकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि फूड कॉम्बिनेशन का भी सेहत पर काफी अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन के बारे में जिन्हें साथ में लेना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूध के साथ दही। दोस्तों, दूध के साथ दही लेना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। दरअसल दूध और दही दोनों की तासीर अलग होती है। इन्हें साथ लेने से पेट की कई प्रकार की समस्याएं में घेर लेती हैं। कोल्ड ड्रिंक के बाद पान मसाला। यहाँ दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद या पहले कभी भी पिपरमेंट युक्त पान मसाला या किसी अन्य चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक व पिपरमेंट को मिलाने पर साइनाइड बनता है। यह सबसे खतरनाक जहर होता है जो कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आलू और चावल। कई लोग आलू और चावल के शौकीन होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों को एक साथ बिल्कुल भी ना खाया जाए। इससे आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। प्याज और दूध। दोस्तों, प्याज और दूध को कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए। प्याज के साथ दूध के सेवन से कई प्रकार के त्वचा रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस आदि होने की संभावना बनी रहती है। दही और मछली। दही की तासीर ठंडी होती है, उसे किसी भी गर्म चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। मछली की तासीर काफी गर्म होती है, इसलिए उसे दही के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। इससे गैस, एलर्जी और स्किन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दही के अलावा शहद को भी गर्म चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। खाने के साथ फल। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार खाने के साथ फल नहीं खाना चाहिए। दोनों ही चीजों का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन का मैकेनिज्म अलग होता है। नींबू, संतरा, अनानास आदि खट्टे फल एसिडिक होते हैं। दोनों को साथ खाया जाए तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इससे कब्ज, डायरिया या अपच की शिकायत हो सकती है। दूध के साथ नींबू। दोस्तों, दूध के साथ नींबू या खटाई युक्त चीजें लेना सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। दोनों का एक साथ सेवन करने पर एसिडिटी हो जाती है। उड़द की दाल के साथ दही। दोस्तों, उड़द की दाल के साथ दही का सेवन काफी नुकसानदायक होता है। माना जाता है कि इसके लगातार सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा रहता है। दही के साथ पराठा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर हमने देखा है कि लोग दही के साथ पराठे खूब शौक से खाते हैं, लेकिन दही के साथ पराठा या अन्य तली हुई चीजों को लेने का शौक दही के फैट के पाचन में काफी बड़ी रुकावट पैदा करता है। इससे फैट से मिलने वाली एनर्जी शरीर को नहीं मिल पाती और वह आपके शरीर में मोटापे को बढ़ावा देती है। दोस्तों, ये थे कुछ फूड कॉम्बिनेशन जिनको आपको कभी भी साथ में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेल्थ टाइम से। नमस्कार।